हेलो माय लवली स्टूडेंट दिस इज मानसी वेलकम बैक टू दी चैनल सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वर्किंग ऑफ द हार्ट मतलब जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन है वो कैसे होता है सारा आपको पता है कि जो ब्लड है वो कौन पंप कर रहा है हमारा हार्ट कर रहा है so सो कैसे पूरा सर्कुलेशन होता है कौन सा ब्लड किस पार्ट में आता है कहाँ जाता है वो सब हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं सो स्टार्ट करते हैं देखो यहाँ ना बिल्कुल एकदम बच्चों की तरह तो जैसे होते हैं ना वैसे मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया इसके बाद हम एक अच्छे वे, वे में भी पढ़ेंगे हमारा so, हम पढ़ हार्ट जो होता है वो चार चैम्बर्स में उसको डिवाइड कर रखा होता है ऊपर वाले दो हमारे ऑट्रम होते हैं नीचे वाले वेंट्रिकल्स होते हैं और वो लेफ्ट एंड राइट साइड से डिवाइडेड है ना अब देखो क्या होता है द हार्ट इज डिवाइडेड ठीक है ये हो गया एंड हैज्स दैट अलाउ द ब्लड टू फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली और हमने ये भी डिस्कस किया था कि वॉल्व किस लिए होती है कि जैसे अगर इस डायरेक्शन में ब्लड जा रहे हैं तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो ना करे उसका डायरेक्शन सेम रहे आगे है द राइट एट्रियम रिसीव कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी यहाँ से देखो सबसे पहले जो हमारा राइट right एट्रियम है ये पार्ट जो है यहाँ पे हमारे बॉडी ऑर्गन है यहां से ब्लड ट्रेवल करके कहा जाता है सबसे पहले राइट में और ये ब्लड कैसा होता है डीऑक्सीनेटेड मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है ऑक्सीजन नहीं होता तो ये बॉडी पार्ट से राइट एट्रियम में गया है देन एंड इज देन मूव्ड इन टू तो द राइट वेंट्रिकल्स अब यहां से जब हमारा जो ब्लड है वो यहाँ आ गया उसको नीचे भेजा जाता है राइट वेंट्रिकल में ठीक है बॉडी पार्ट से एट्रियम right में आया, उससे भी नीचे भेज के right में भेजा इसके बाद क्या होता है? पंप करता है कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव एंड ऑक्सीजन इज एब्सॉर्ब सो यहां से इसने क्या किया यहां से इसने ब्लड भेजा अभी ये कौन सा ब्लड जा रहे कार्बन डाइऑक्साइड यहां से उसने भेजा लंग्स में ठीक है अब लंग्स में आने के बाद वहां पे क्या होता है हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हट जाता है और उसमें ऑक्सीजन जो होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाता है सो so, अब लंग से जो ब्लड जाएगा वो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा मतलब उस ब्लड में ऑक्सीजन होगा सो वेर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव एंड ऑक्सीजन इज एब्सॉर्ब आगे द लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजन रिच ब्लड एज इट कम्स बैक टू हार्ट अब यहां से क्या हुआ लंग्स ने अपने वो जो डी ऑक्सीनेटेड ब्लड था उसको ऑक्सीनेटेड ब्लड कर दिया एंड उसको भेज दिया लेफ्ट एट्रियम में सो so, लेफ्ट एट्रियम में आया एंड देन आगे क्या हुआ इज पुश्ड इन टू द लेफ्ट वेंटिकल्स यहाँ से उसने नीचे पुश कर दिया मतलब वो लेफ्ट वेंटिकल में आ गया एंड देन लेफ्ट वेंटिकल से अभी ऑक्सीनेटेड ब्लड हमारे बॉडी ऑर्गन में गया ठीक है अब फिर से वही प्रोसेस चलता रहेगा बॉडी ऑर्गन में फिर हमारा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हो जाएगा मिक्स फिर वो जाएगा राइट right एट्रियम में फिर राइट right आई में आएगा फिर यहाँ से लंग्स में फिर ऑक्सीजन रिच होगा लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट मतलब ये प्रोसेस पूरा चलता रहता है ठीक है तो ये तो हो गया बेसिक मैं पूरा पढ़ देती हूँ इन टू द वेंटिकल द लेफ्ट वेंटिकल पम्प दिस ब्लड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी सो ये हमारा पूरा प्रोसेस है जिसमें ब्लड का सर्कुलेशन होता है सो so, ये बिल्कुल बेसिक तरीका था आपको समझाने के लिए अब हम बात करते हैं ज़रा

लेफ्ट आर्ट्रिम में ये देखो लास्ट में हम पढ़ के आए ना हमने बस यहाँ पे यहाँ से शुरू किया था इसमें हम लंग से शुरू करें कि ऑक्सीडेटेड ब्लड उसने लेफ्ट आर्ट्रिम में भेजा इसी में आगे बढ़ते हैं द लेफ्ट आर्ट्रिम रिलैक्सेस व्हेन इट इज कलेक्टिंग द ब्लड एंड कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन ब्लड इज ट्रांसफर टू द लेफ्ट वेंटिकल अब यहाँ पे ये चीज समझ रही है वहां पे हम सिंपल समझ के आए कि लेफ्ट आर्ट्रिम से हमने लेफ्ट वेंटिकल में भेज दिया अब ये होता कैसे हमें पता है हार्ट क्या करता रहता है बीट करता रहता है पंप करता रहता है ब्लड को सो so, जब यहाँ पे वो ब्लड उसमें कलेक्ट हो रहा होता है तो वो रिलैक्स करता है ऑब्वियस वाली बात है अगर आपको कोई चीज भरनी है तो उसको खुला करना पड़ेगा तभी तो उसमें कोई चीज भर पाओगे वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा एंड जब कॉन्ट्रैक्ट जब उसमें से आप ब्लड नीचे भेज रहे हो तो वो कम होता जाएगा और ब्लड नीचे जाता रहेगा सो so, ये चीज इस तरीके से लेफ्ट एट्रिम रिलैक्सेस

पम्प्ड आउट ऑफ द बॉडी व्हेन द मसल्स ऑफ लेफ्ट वेंटिकल कॉन्ट्रैक्ट अब अब इस हार्ट में से कैसे बाहर जा रहा है आउट ऑफ द बॉडी नहीं आउट ऑफ द हार्ट होगा सो नाउ द ब्लड इज पंप्ड आउट ऑफ द हार्ट अब हमें पता है भाई यहाँ पे लेफ्ट वेंटिकल में आ गया से अब इस ब्लड का क्या होगा इसको बाहर भेजा जाएगा बाकी ऑर्गन्स में सो द ब्लड इज आउट ऑफ ऑफ द द द हार्ट व्हेन मसल्स लेफ्ट वेंटिकल कॉन्ट्रैक्ट अब यहाँ पे उसके पास सारा लेफ्ट वेंटिकल है अब जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वो बॉडी पार्ट्स में जाएगा देखो यहां से यहाँ पे अभी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो ये ऑक्सीजेटेड ब्लड कहा जा रहा है हमारी बॉडी में जा रहा है ठीक है

वहां से वेंटिकल में आ गया इन टर्न पम्स इट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन और अब क्या करता है राइट right वेंटिकल्स में आ गया यहाँ पे अगेन सिंपल फिगर में देख लो और अच्छे से क्लियर होगा अब यहां से हमने देखा कि जो हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड था वो राइट right में डाल दिया उसके बाद उसने राइट right में भेजा और यहां से हमने ब्लड को भेज दिया लंग्स में कि इसको ऑक्सीजनेटेड बना दो चलो जी So, now ये हो गया वेरियस ऑर्गन्स right so अब ये जो हमारे वेंटिकल्स है राइट right वाले उसको क्या करना होता है सारे ऑर्गन्स में भेजना होता है इसलिए उसकी जो मस्कुलर वॉल्स हैं वो थिक है कंपेयर टू द जो हमारा लेफ्ट साइड वाला है बिकॉज पे उसको क्या करना है उसको लंग्स तक भेजना है लेकिन इसको सारे बॉडी पार्ट्स में भेजना है इसलिए वो थिकर होता है उसके कंपैरिजन में सो दैट दे पंप ब्लड टू वेरियस नाउ वेल्स इंश्योर दैट द ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड व्हेन द एट्रियम और वेंट्रियम कॉन्ट्रैक्ट तो यहाँ पे वो क्या वॉल्स का क्या ध्यान रखते हैं अब एक कॉन्ट्रैक्ट करे एक एक्सपैंड करे तो वो ये चीज का ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि ब्लड उल्टी साइड पे फ्लो करने लग जाए so, जो ब्लड का फ्लो है जैसे हमने देखा यहाँ से इधर जाता है इधर से वो नीचे आएगा यहाँ से लंग्स में जाएगा देन यहाँ से बॉडी पार्ट में जाएगा सो so, ये पूरा एक फ्लो बना हुआ है so, तो वो बैकवर्ड फ्लो नहीं कर सकता अदरवाइज ब्लड मिक्स हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीनेटेड सो so, इसका ध्यान कौन रखते हैं जो यहाँ पे वॉल्स बना रखे कि बैकवर्ड डायरेक्शन में ना फ्लो करे ठीक है सो नाउ आई होप आपको ये पूरा वर्किंग ऑफ हार्ट समझ में आ गया होगा कैसे ब्लड सर्कुलेट करता है अच्छे से क्लियर हो गया होगा दिस वॉट अबाउट दिस वॉज अबाउट सर्कुलेशन अब हम पढ़ेंगे डबल सर्कुलेशन और छोटे छोटे से और टॉपिक्स से है अगले सेशन में सो आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर नाउ